ट्सअप मैं हूं आपका होस्ट अवेज और ये है मेरा चैनल क्लैश विद अवेज जहां मैं आपको सिखाता हूं क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली थ्री स्टार्स दिला सके होम बेस एंड बिल्डर बेस दोनों में यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज उम्मीद है आपने सारे नए प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे और अगर आपने नहीं देखे तो तुरंत जाके देखिएगा सी डब्ल्यू एल पूरा हो चुका है हमारा सी डब्ल्यू एल के सारे बैटल्स मैंने डाले हैं और सी डब्ल्यू एल के लिए कई सारी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ भी डाले हैं और कई सारी स्ट्रेटजीज भी डाली है तो आप जाके मेरी प्ले लिस्ट में देखेगा आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारी टाउन हॉल ट्वेल्व की एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटी की तरफ आज मैं लाया हुआ आपके लिए गोविच स्ट्रेटजी सुपर विजर्ट्स के साथ यानी गो स्वीविच में नाम दे रहा हूँ इसको जैप जैप करना है यहाँ पर हमें यानी कि इन्फानस डाउन करने और गोविच आर्मी तो आपको पता ही है कि कितनी औसम है चलिए फिर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ देख लेते हैं आज की आर्मी में यूज़ करने वाला हूँ देखिए आज की आर्मी में यूज़ करने वाला हो तीन गोलम्स टेन विचिस और सेवन सुपर विजर्ट्स गोलम का मैक्स लेवल नाइन होता है और मेरा एक लेवल बचा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं फिर भी हम ट्राई करेंगे बेस्ट अटैक करने की और स्पेल्स में मैंने लिए है एट लाइटनिंग स्पेल्स एक फ्री स्पेल और दो अर्थ क्विक स्पेल्स हीरोज़ मेरे देख सकते हैं आप सारे हैं और सीसी में मैंने लिए है पैका आइस गोलम फ्रीज पॉइजन और लॉन्ग लॉन्चर सो चलिए इस आपने आर्मी देख लिए अब बढ़ते हमारे लाइव अटैक की तरफ चलिए देखिए ये बेस मिला है हमें सो so सगाइ ये बेस मिला है हमें इस पर करना है अटैक देख सकते हैं आप इसके इन्फर्नोस मैक्स है डिफेंसिस भी सब मैक्स है और वॉल्स भी मैक्सिमम मैक्स है तो देखिए दो इन्फर्नोस पर डाल दिया चार लाइटनिंग और अर्थक्वेक दूसरे इन्फर्नोस पे भी डाल दिया देखिए अर्थक्वेक मैं कहाँ डाल रहा हूँ दूसरी तरफ ताकि वो गीगा टेस्ला को एक्टिवेट ना कर दे और अब यहाँ पर हम डाल देंगे सारे गोलम्स उनके पीछे भी इज लॉक लॉन्चर और फिर सुपर तो देखिए फिर जैसे वे क्लियर हो गया हमने सारे हीरोज डाल दिए ताकि वो सीधा अंदर जाए हीरोज जो है वो मेन भटकने नहीं चाहिए इसलिए हीरोज को लास्ट में डालिएगा जब वे क्लियर हो जाए और यहाँ पर फ्रीज जो है वो में इन्फर्नो और ईगल आर्टिलरी के बीच में यूज़ कर रहा था और अब जो है वो मे सारे ड्रोप्स अंदर जा चुके हैं तो और हम यूज़ कर लेंगे वर्डन एबिलिटी गीगा टेस्टला के डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉइजन मैंने इसलिए लिया है ताकि अगर सीसी सी में सुपरमीनियन हो तो हम उससे डील कर सके अगर आपको पता है कि सीसी सी में सुपरमीनियन नहीं है तो आप उसकी जगह एक फ्रीज भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा और ये देखिए हमारा आइस गर्म डिस्ट्रॉय हुआ था उसका आइस इफ़ेक्ट आया है सो गाइज इजीली हमारा अटैक देख सकते हैं आप थ्री स्टार की ओर बढ़ रहा है क्वीन हमारे ऑलमोस्ट फुल हेल्थ पे वार्डन भी है साथ में और उसके साथ है और सुपर सो इजीली अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक हिडन टेस्लास भी आप देख सकते हैं मैक्स है दो हिडन टेस्टलास और एक, एक एक्सपो बचा है अब और अब बचे सिर्फ दो हिडन टेस्टलास तो इजीली गाइस हमारा अटैक हो गया है थ्री स्टार यहाँ पर आप देखिए मेरे हीरोज लो लेवल है और गोलम का भी एक लेवल कम है फिर भी हम थ्री स्टार कर पा रहे हैं यानी कि आप सोच ही सकते हैं कितनी बड़ी आर्मी है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ देखिए ये बेस है तो आप देखिए यहाँ पर चार लाइटनिंग डाल दिया और अर्थ एक थोड़ा दूर डालना है और फिर चार लाइटनिंग दूसरे इनफर्नरों पर और डाल दिया है अर्थ देखिए ईगल को काफ़ी सारा डैमेज मिल चुका है और लॉक लॉन्चर की लॉक से थोड़ी देर बाद ईगल डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा और हम डाल देंगे सारी आर्मी गोलम्स विची, सुपर सुपरविजर्स और फिर वॉल्स टूटने के बाद डालेंगे सारे हीरोज़। सो देखिए हमारी आर्मी सीधे अंदर जा रही है और मैंने यूज़ कर लिया वार्डन एबिलिटी वार्डन एबिलिटी इस अटैक में स्टार्टिंग में यूज़ करना है ताकि ट्रूप्स इज़ीली प्रोटेक्ट हो जाए और गीगा टेस्ला से इस आर्मी को कोई डर नहीं है क्योंकि हमारे पास है पैका और आइस गोलम तो वो आगे रहेंगे तो हमारी आर्मी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा देखिए गीगा टेस्ला डाउन हो के फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अटैक्स इजीली थ्री स्टार की ओर बढ़ जाएगा देखिए आइस गोलम डाउन हो चुका है तो उसका आइस इफेक्ट आया और वहाँ पर देखिए वार्डन के साथ गोलम पैका और विचिस सो इजीली अटैक भी हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक क्योंकि अब बचा है सिर्फ कैनन आर्चर टावर और विजर टावर सो इजीली अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक अब बचा है सिर्फ एक विजर टावर और इसी के साथ विजर टावर भी हो चुका है डाउन सो गाइज ये अटैक भी हमारा हो गया एक थ्री स्टार अटैक यूजिंग द गोविच आर्मी विथ सुपर विज़ार्ड्स चलिए फिर बढ़ते एक और अटैक की तरफ ये अटैक मैंने सी में किया है देखिए ये इन्फोनो है और उसके बाजू का इन्फर्नो ये हम दो इन्फर्नोज डाउन करेंगे और इसी के साथ ये कैनन और वीजा टावर भी लेने का ट्राई करेंगे और ये इन्फर्नो के साथ क्वीन ले सकते चलिए देखते फर्स्ट इन्फर्नो पर हम डाल देंगे क्वीन पोजीशन में आने दीजिए उसके बाद डालेंगे और अब क्वीन आ चुकी है पोजिशन में तो डाल दीजिए हमने चार लाइटनिंग्स और यहाँ पर देखिए जैसे प्लान किया था कैनन और विजा टावर भी कर दिया डाउन और अब हमारे दो इनफर्नोज हो चुके हैं डाउन तो अब डाल देंगे पूरी आर्मी तीन गोलम उनके पीछे विचिज और फिर लॉक लॉन्चर यहाँ पर देखिए मैंने हीरोज़ पहले डाले क्योंकि वहाँ पर एक ओपोनेंट का किंग था और उसे डैमेज दे सकता था इसलिए पहले ही मैंने सारे हीरोज़ डाल दिए और यहाँ पर फनल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देख सकते आप और ये देखिए जो मेन काम था पॉइसन का सी सी में से निकल चुके हैं सुपर मिनियंस तो डाल दिया फ्रीज एंड पॉइजन तो अब थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली सुपर मिनियंस डाउन हो जाएंगे और अब गीगा इन्फर्नो और इन्फर्नो टावर का डैमेज मिल रहा है तो हम एबिलिटी यूज़ कर लेंगे वार्डन की और क्वीन की और अब इसी के साथ डाउन हो चुका है और वार्डन एबिलिटी के अंदर ही सो इसीलिए हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा देख सकते आप इजीली हमारा स्ट्रैटी ये बेस को क्रश कर रही है सेवेंटी परसेंट डैमेज मिल चुका है और इजीली अटैक थ्री स्टार की ओर बढ़ता हुआ गाइस तीनों तरफ से अटैक होते हैं इस आर्मी में एक तरफ विचिज है विचिस सुपर विजर्ट पैका आइस गोलम वार्डन और क्वीन हमारी और अब बचा है डिफेंस में सिर्फ एक आर्चर टावर सो so, इजीली अटैक भी हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक। अटैकटन आर्मी आप देख सकते हैं बहुत सारी स्केरेटन आर्मी बीच की दिख रही है आपको और इसी के साथ हमारा अटैक हो चुका है एक थ्री स्टार अटैक चलिए बढ़ते एक और अटैक की तरफ सी डब्ल्यू एल में किया है मैंने अटैक सी डब्ल्यू एल डे थ्री का अटैक दिखाता हूँ आपको यहाँ पर देखिए एक बहुत ही शानदार ट्रैप है गीगा टेस्ला है उसके साथ है आर्चर क्वीन साथ ही साथ है बारबेरियन किंग और साथ ही साथ है क्लैन कासल और दो एक्सपोज भी है और इन्फर्नोस देखिए आप तीनों एक ही लाइन में अलग अलग और बॉक्स में तो हम इन के साथ आजू बाजू की बिल्डिंग्स भी ले जाएंगे और यहाँ पर भी देखिए इन के साथ आजू बाजू की बिल्डिंग्स ले जाएंगे और अटैक हम यहाँ से करेंगे इस लाइन में चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं हमारा अटैक आप अगर टाउन हॉल की तरफ से अटैक करेंगे तो वो एक बहुत ही शानदार ट्रैप है तो आप इजीली उसमें ट्रैप हो जाएगा और आपका अटैक वहीं के वहीं फ़ेल हो जाएगा और आप सोचेंगे ये क्या हो गया इसलिए अटैक हमें ईगल की तरफ से करना है तो डाल दिए मैंने तीन गोलम्प्स उसके पीछे लॉन्ग लॉन्चर एंड देन विचिस इज के बाद देखिए मैंने सुपर विजड और सिर्फ बार किंग डाला ताकि थोड़ा वे क्लियर हो जाए और फिर जैसे ही पूरा फनल क्रिएट हो जाएगा मैं डाल दूँगा आर्चर क्वीन और वार्डन देखिए डाल दिया है मैंने और वो उनका ईगल आर्टिलरी पर हो चुका है और अब यहाँ देखिए सेंटर में एक जो इन्फर्नो बचा है वहाँ पर हमारा लॉक लॉन्चर और गोलम्स डैमेज दे, दे देंगे और इसी का इसी के साथ इन्फर्नो डाउन हो जाएगा और अब यहाँ पर जो है मैंने फ्रीज और ऑर्डरनेबिलिटी बचा के रखे क्योंकि जो लास्ट में ट्रैप है वहाँ पर हमें जाना है और ये देखिए सीसी में से निकल चुका है सुपर मिनियन तो अब उस पर डाल देंगे पॉइजन एंड फ्रीज तो अब अब है हमारी स्ट्रेटजी का मेन चैलेंजिंग पॉइंट हम बढ़ चुके हैं ट्रैप की तरफ गीगा टेस्ला उसके साथ आर्चर क्वीन और बारबियन किंग चलिए देखते क्या होगा इसलिए मैंने बार्बियन किंग बाहर डाला था ताकि वो बार्बियन किंग और आर्चर क्वीन को थोड़ा टैकल कर सके क्योंकि बार्बियन किंग के हेड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं देखिए किंग की एबिलिटी यूज़ कर लिया मैंने और देखिए बारबियन किंग और आर्चर क्वीन ओपोनेंट के डाउन हो चुके हैं और अब बचा है सिर्फ हमारा गीगा टेस्ला और क्लैन कासल सो इजीली गाइस हमारा अटैक हो जाएगा थ्री स्टार वार्डन एबिलिटी अभी तक बची हुई है सो वी हैव अ स्वैग एबिलिटी गाइस और इसी के साथ हमारा अटैक हो चुका है थ्री स्टार ये बहुत ही शानदार ट्रैप बेस था उस पर हमने थ्री स्टार किया है अब ये देखिए फिफ्थ बैटल डे में मैंने अटैक किया है नंबर इलेवन द मोस्ट अनबिलीवेबल अटैक है ये गाइस टी एच थर्टीन के ऊपर थ्री स्टार किए गाइस मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ था लेकिन टी एच थर्टीन पर इस स्ट्रेटेजी से मैंने थ्री स्टार किया है वो भी मेरा ट्रैप बेस यही बेस मैं वॉर में यूज करता हूँ अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको देखिए मेरा बेस भी दिखा रहा हूँ आपको सेम बेस है वही टाउन हॉल थर्टीन पे ही सेम बेस पे अटैक करने वाला हूँ मैं चलिए फिर बढ़ते मेरे अटैक की तरफ दिखाता हूँ आपको किस तरह से अटैक एक बहुत ही शानदार तरीके से थ्री स्टार हुआ है गाइस लेट स्टार्ट द रिप्ले यह देखिए ये एक्सबो के साथ इन्फर्नो के साथ एक्सबो को डैमेज देना है और यहाँ पर भी इन्फर्नो के साथ एक्सपो को डैमेज देना है लेकिन ध्यान रखेगा अगर आपसे नहीं हो तो एग्जैक्टली इन फनों पर ही क्योंकि यहाँ पर अगर इन्फर्नो पर लाइटनिंग का इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो आपका इन्फर्नो डाउन नहीं होगा जिससे कि आपका अटैक भी फेल हो सकता है तो चलिए फिर बढ़ते हमारे अटैक की तरफ हम अटैक यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर देखिए स्पलेंड एक्सबो और इन्फर्नो दोनों को डैमेज मिल चुका है और लाइटनिंग लाइटनिंग और अर्थक्वेक मैंने यूज़ कर लिया अब डाल देंगे सारे गोलम्स लॉग लॉन्चर और फिर विचिस और बार्बियन किंग और सुपर विजार्ट आर्चर क्वीन और वार्डन मेन होते हैं अटैक में तो इसलिए उन्हें मैं लास्ट में डालूँगा तब फनल हो जाए और वे क्लियर हो जाए तभी उन्हें डालूंगा देखिए फनल और वे क्लियर हो चुका है तब मैंने डाल दिया आर्चर क्वीन और फिर वार्डन तो अब यूज़ कर लेंगे हमारी वाडन एबिलिटी ट्रूप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गीघा गीगा गी गीगा के डैमेज से देखिए वाडन एबिलिटी यूज़ हो चुकी है और अब सीसी में से निकल चुके हैं दो ड्रैगन तो उन पर मैंने डाल दिया है पॉइजन और अब हमारा आइस गोलम और पैका स्कैटर शॉट्स के डैमेज ले रहे हैं जिससे कि हमारे पीछे के ट्रूप्स प्रोटेक्टेड है और ये आइस गोलम का आइस इफेक्ट जिससे कि एक स्कैटर शॉट फ्रीज हो चुका है और इसी के साथ एक स्कैटर शॉट डिस्ट्रॉय भी हो चुका है सेकंड आइस स्कैटर शेट सेकेंड स्कैटर शॉट भी हो चुका है डिस्ट्रॉयड गाइस और अब ईगल आर्टिलरी की बारी इसी के साथ ईगल आर्टिलरी भी हो चुकी है डाउन अब बचे सिर्फ मेन एक इन्फर्नो आर्चर टावर्स दो दो विजा टावर्स दो कैनन और अब क्वीन की एबिलिटी यूज करके हम इन्फर्नो को भी डाउन कर देंगे इजीली यो सो so अब इसी के साथ हमारा अटैक हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक क्योंकि तो अब बचे सिर्फ एक कैन कैनन भी हो चुका है डाउन दो विजाट टावर और वार्डन बचा है अपोनेंट का सो इजीली अटैक हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार द मोस्ट अनबिलीवेबल अटैक अगेन टाउन हॉल ट्वेल्व वर्सेस टाउन हॉल थर्टीन अटैक था ये गाइस, इसे भी हम थ्री स्टार कर लिए यूजिंग दिस ऑसम आर्मी सो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आप टाउन हॉल ट्वेल्व पे हो बहुत ही बढ़िया आर्मी है चलिए अब डे सिक्स का अटैक देखते हैं इसमें मिरर पर अटैक किया है मैंने ये तो बहुत ही ईजी बेस है लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ एक बार ईगल आर्टिलरी के पास ही इन्फर्नो हम यहाँ पर अटैक करेंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इन्फर्नो के पास मोरतार कैनन और एक्सपो भी है तो हम यहाँ पर एकदम सेंटर में डालेंगे जिससे कि इनको सबको डैमेज मिल जाए और यहाँ पर इन्फर्नों के साथ है आर्चर क्वीन हम यहाँ से हमारा अटैक चालू करेंगे चलिए फिर कर देते हैं हमारा अटैक स्टार्ट य ये लॉन्ग ये लॉन्चर का वे होगा इस तरह से लॉन्ग लॉन्चर के वे में ये चीज जाएगी लेट्स टाटार अटैक गाइस देखिए जैसे प्लान किया था यहाँ पर डाल दिए लाइटनिंग और यहाँ पर देखिए एकदम सेंटर में डाला था जिससे कि सब डाउन हो चुका है देख सकते हैं आप इस एरिया में सब कुछ डाउन हो चुका है अब डालेंगे तीन गोलम्स लॉक लॉन्चर फिर सारे विचिस और उनके पीछे सुपरविजर्ट्स और अब वे क्लियर हो चुका है तो डाल देंगे सारे हीरोज़ ताकि वो सीधे अंदर जाए ये देखिए सीसी में से निकल चुके विचिस और आर्चर्स तो हम उन पर डाल देंगे पॉइजन वार्डन एबिलिटी कर लिया यूज़ ये आइस कोलम का आइस इफेक्ट मिला है और अब बचा है स्कैटर शॉट तो हमारा बार्बियन किंग उसे इजीली डाउन कर देगा और स्कैटर शॉट हो चुका है डाउन ईगल आटे भी डाउन अब ये जो एक इन्फर्नो बचा है वो डाउन करना है तो उसके लिए हमारे विजीज़ हैं वहाँ पर वो इजीली डाउन कर जाएंगे परफेक्टली देखिए इन्फानो डाउन हो चुका है और अब यहाँ पर तीनों थी, हीरोज़ हमारे हैं पैका आइस गोलम सुपर विजर्ट दिख रहे आपको कई सारे और उसके साथ विचिस भी है सो so, इजीली ये अटैक तो हमारा हो जाएगा एक थ्री स्टार अटैक गाइस इस आर्मी को यूज़ कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी आर्मी है टाउन हॉल ट्वेल्व के लिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगी आपको ये आर्मी तो चलिए इस आज का वीडियो हो चुका है खत्म पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी और अभी से प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगी आपको ये आर्मी अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में टिल देन ट्यून्ड बाय गाइस